नमस्कार, स्वागत है आपका एचसीएन न्यूज में। मैं हूं नीतीश पाठक। सीबीएसई की ओर से आज सुप्रीम कोर्ट में 12वीं रिजल्ट तैयार करने को लेकर इवैल्यूएशन क्राइटेरिया पेश किया गया। सीबीएसई की ओर से 12वीं रिजल्ट तैयार करने के लिए 13 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था, जिसकी रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश की गई। सीबीएसई ने कहा है कि 10वीं के 5 विषय में से 3 विषय के सबसे अच्छे मार्क्स को लिया जाएगा। इसी तरह 11वीं के 5 विषयों का एवरेज लिया जाएगा और 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम और प्रैक्टिकल का नंबर लिया जाएगा। 10वीं के नंबर का 30%, 11वीं के नंबर का 30% और 12वीं के नंबर का 40% के आधार पर नतीजे आएंगे। बोर्ड ने आज सुप्रीम कोर्ट में बताया कि पिछले वर्ष के मार्किंग स्कीम को देखकर यह तय किया गया है कि 10वीं, 11वीं और 12वीं के इंटरनल एग्जाम के मार्क्स के आधार पर ही इंटरमीडिएट का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इस फार्मूले से आप खुद अपना रिजल्ट तैयार कर सकेंगे। बोर्ड ने कहा है कि रिजल्ट में 10वीं, 11वीं के नंबर का वेटेज 30-30% रहेगा, जबकि 12वीं के नंबर का वेटेज 40% होगा। 10वीं में भी छात्रों के बोर्ड एग्जाम होते हैं, मगर सब्जेक्ट्स अलग होते हैं। ऐसे में 10वीं के 5 विषयों में से सबसे बेहतर 3 विषयों के नंबर ही जोड़े जाएंगे। इसके बाद 11वीं कक्षा के टर्म एग्जाम, यूनिट एग्जाम और फाइनल एग्जाम्स में सभी 5 सब्जेक्ट्स के एवरेज मार्क्स जोड़े जाएंगे। इन नंबर्स का वेटेज 30-30% होगा। इसके बाद 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम और प्री बोर्ड एग्जाम के मार्क्स को 40% वेटेज दिया जाएगा। इस तीनों नंबर्स को जोड़कर कुल 100 में से नंबर मिलेंगे। छात्रों की फाइनल मार्कशीट इसी 30-30-40 के फार्मूले के आधार पर तैयार होगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई ने कहा है कि परिणाम समिति ने परीक्षा के विश्वसनीयता के आधार पर वेटेज का फैसला लिया है। स्कूलों की नीति प्री बोर्ड में ज्यादा अंक देने की है। ऐसे में सीबीएसई के हजारों स्कूलों में से प्रत्येक के लिए परिणाम समिति गठित होगी। स्कूल के 2 वरिष्ठम शिक्षक और पड़ोसी स्कूल के शिक्षक मॉडरेशन कमेटी के रूप में कार्य करेंगे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि स्कूल ने अंकों को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताया है। यह कमेटी छात्रों के पिछले 3 वर्षों के प्रदर्शन को आंकेगी। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के तरफ से अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि सीबीएसई के नतीजे 31 जुलाई को आएंगे। इस पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहे एचसीएन न्यूज। शुक्रिया।